अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द प्रैक्टिकल एकेडमी। लेसन नंबर 2 में हमने आप लोगों को सिखाया था कि आपने डायरेक्टरी सेट कैसे करनी है या फोल्डर कैसे जनरेट करना है, और दूसरा हमने ये सिखाया था कि आपने फाइल को, एक्सेल की फाइल को आर में इंपोर्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, माई कंप्यूटर खोलना है। माई कंप्यूटर खोलने के बाद आप जिस ड्राइव में भी अपना फोल्डर बनाना चाहते हैं आपने वो ड्राइव ओपन करनी है। मैं ई में बनाना चाहता हूँ तो मैंने ई ड्राइव ओपन करनी है। ई ड्राइव ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने डायरेक्टरी बनानी है या फोल्डर बनाना है। अब मैं जो फोल्डर बनाने लगा हूँ अपने नेम का बनाने लगा हूँ। आप लोग अपने नेम का जो है फोल्डर बना सकते हैं। अब ये डायरेक्टरी आपकी बन गई है। अब आपने क्या करना है, इस डायरेक्टरी में या इस फोल्डर में आपने जो आप डाटा आप एनालिसिस करना चाहते हैं आपने वो कॉपी पेस्ट करना है। तो लेसन 2 में हम लोगों ने आपको डाटा जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपके पास ये डाटा नहीं है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी हमारी वेबसाइट्स पे जाके prepacademy.pk वहाँ से लॉग इन होकर भी आप ये डाटा वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाटा डाउनलोड करने के बाद आपने जो अपने नाम का फोल्डर जनरेट किया हुआ है आपने इसमें पेस्ट कर देना है। बेसिकली इसमें 3 फाइल हैं। एक है डाटा, जो आपका डाटा आपने एनालिसिस करना है, और जो लास्ट फाइल है वो है आर स्क्रिप्ट की। आर स्क्रिप्ट मीन के ऑन द बिहाफ ऑफ यू हमने सारा कुछ सारा काम इसके ऊपर कर दिया है। हमने सारी कमांड्स हमने सारा कुछ अपलोड कर दिया, नहीं तो ये सारा स्क्रिप्ट आपको मैनुअली बनाना पड़ता। यहाँ पर स्क्रिप्ट नेम में आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपनी डेट चेंज करेंगे। डेट चेंज करने के बाद हमने डायरेक्ट आ जाना है डायरेक्टरी के ऊपर। यह सेट वर्किंग डायरेक्टरी हमने आपके लिए ये कमांड जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। ये मैनुअली कमांड ऐड करनी पड़ती है। अब आपने क्या करना है, आपने पहले ये ड्राइव रिप्लेस करनी है। ई ड्राइव मीन कि आपने किस ड्राइव में अपना फोल्डर जो है वो क्रिएट किया हुआ है। मैंने डी ड्राइव में किया हुआ है तो मैं इसको रिप्लेस नहीं कर रहा, तो ये सारा ई ड्राइव में ही आएगा। मैंने ई ड्राइव में क्रिएट किया हुआ है। नेक्स्ट इज़ द फोल्डर नेम। फोल्डर नेम हमने फहीम रखा था, तो आप भी अपना जो है वो फोल्डर नेम जो भी है वो यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं या आप अपना नेम इसको दे सकते हैं। उसके बाद ये बेसिकली आपकी वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो सेट हो गई है। अब हम आर को कमांड दे के चेक करेंगे कि भी देखो कि ये वर्किंग डायरेक्टरी ठीक है या नहीं। आप देख सकते हैं कि आर ने चेक कर लिया और आर ने रिस्पॉन्स दिया ब्लू कलर के, आपकी वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो काम कर रही है। वर्किंग डायरेक्टरी करने के बाद अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप था वो था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फाइल। हमने इंपोर्ट फाइल जो है वो कैसे करनी है, अब ये कमांड है इंपोर्ट फाइल की। अब आपने इतनी बड़ी कमांड आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट अपनी फाइल नेम को रिप्लेस करना है। तो जो आपकी डायरेक्टरी के अंदर या फोल्डर के अंदर फाइल है उसका ये नेम होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि डाटा अंडरस्कोर कॉटन, ये जो भी आपका फोल्डर का नाम है आपने इस फोल्डर को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आर स्टूडियो में जा कर ये डायरेक्टरी की जगह आपने इसको पेस्ट कर देना। पेस्ट जब करेंगे तो बेसिकली ये जो है वो एक्सेल की शीट इसको रीड करेगा आपका और सॉफ्टवेयर आपके इस वर्किंग डायरेक्टरी में। हम चेक करते हैं कि क्या ये रन करके कि ये रीड आउट कर रहा है या नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं कि ये फर्दर इसने ये डाटा जो है वो रन कर दिया। मीन आपका डायरेक्टरी भी सेट हो गई है और आपकी फाइल भी इंपोर्ट हो गई है। अब आपकी असाइनमेंट क्या थी, आपकी असाइनमेंट ये थी कि आपकी ये जो डायरेक्टरी या फाइल है ये आपने यहाँ से सारा कुछ इसका सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने एक नोटपैड की फाइल बनानी है, यहाँ से आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप अपने फोल्डर में जाना है। फोल्डर में जाने के बाद आपने यहाँ पर एक नोटपैड की या टेक्स्ट की फाइल जनरेट करनी है और यहाँ पर आपने ये सारा डाटा यहाँ पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने जो है इसको अपना नाम दे देना है और ये आपने असाइनमेंट जो है ये आपने सबमिट करानी है हमारी वेबसाइट के ऊपर। ये आपका टास्क है। इसके अलावा आप लोग ट्राई करें, अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रहा है या डायरेक्टरी सेट नहीं हो रही तो काइंडली आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं।
आपको जो है वो ट्राई करूँगा कि एज सून एज पॉसिबल रिस्पॉन्ड करो। अल्लाह हाफिज़।